मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरुणा सिंह, पीजीटी कॉमर्स विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल टेक ऑन चैप्टर नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास 12 कॉमर्स। नाउ टुडे वी विल टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी एंड सी पार्ट। द बी पार्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अगर टेंजिबल एसेट से अगर पैसा आया है तो हम जो जोड़ देंगे। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल से पैसा आया है, कोई इंटेंजिबल एसेट को बेचने से पैसा आया तो हम उसे जोड़ देंगे। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से पैसा आया तो हम जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव को हम जोड़ देंगे, रेंट रिसीव को जोड़ देंगे। अब हम घटाएंगे क्या? परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हमने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी है तो हम उसे हटा देंगे। हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा अगर हमने लिया है तो हम उसे हटा देंगे। तो जो नेटशेयर होगा वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। नाउ सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। शेयर और डिबेंचर्स को इश्यू करने से भी पैसा आया। प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रोसीड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी कि ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या कोई शॉर्ट टर्म लोन है। डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड का पैसा दिया है, इंटीरियर डिविडेंड दिया है, इंटरेस्ट पेड दिया है, पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन दिया है, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर हमने कोई पे किया है, तो वो सारी सारी अमाउंट हम हटा देंगे। नाउ इट विल बी द कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों पॉइंट ए, बी और सी, तीनों के तीनों एक्टिविटीज का पैसा हम जोड़ देंगे, वो होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी। और बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, वो हम यहां जोड़ देंगे, तो जो रिमेनिंग आएगा वो क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा। और ये चीज मिल जानी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस से कैश बैलेंस से मिल जाना चाहिए। तो हम ये मानेंगे कि हमारा